सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, एक्स और वाई दोनों कैप पार्टनर हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल 20,000 और 10,000। दे डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दी जाएगी, 6% पर एनम दी जाएगी। देयर रिस्पेक्टिव शेयर प्रॉफिट लॉस का जो शेयर रहने वाला है 2:3 रहने वाला है। कहता है बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, ये कि जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल के ऊपर पे नहीं किया, उससे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 1,500 है। डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को वेयर इन नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेयर इज देयर इज अ नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट के अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर हम बात करें वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन फेवरेबल फॉर्म इज इन इन्वॉल्व ऑफ लॉसेज। तो दो केस हैं इसके अंदर जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, कि या तो क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है, सेकंड कहता है अगर लॉस भी होता है तब भी आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, कैपिटल कितनी लगा रखी है एक्स ने और किसने लगा रखी है, ये वाई ने कैपिटल लगा रखी है, ठीक है। कितनी लगा रखी है यहाँ पर 20,000 और ये कितनी लगा रखी है 10,000, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना देना है 6%, तो 20,000 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 6% कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1,200, ठीक है ना। किसके लिए बनेगा ये, एक्स के लिए इंटरेस्ट बनेगा, और वाई के लिए कितना बनेगा, ये बनेगा 600, ठीक है ना। और ये दोनों कितने हो जाते हैं भाई, ये हो जाते हैं 1,800, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारा 1,500, तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया ये 1,500, लेकिन बनता कितना है 1,800। अगर फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस में कहता है कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग के लॉस होगा देना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो 1,800 है उसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। मतलब ये क्या है 1,200 और ये कितना है 600, तो ये काट दिया ये काट दिया, ये 6 कम 6 और 6 को कितने से किया 2 से, तो रेशियो कितनी आ जाएगी 2:1। तो हम जितना भी प्रॉफिट है उसको 2:1 में डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे देंगे, ए केस में और ये बी केस में, कितना ए को मिलेगा या बी को मिलेगा, तो ये कितना है 3, 3 को अगर कितने से करोगे 1,500 को कितने से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे 3 से, तो हर हिस्से में कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, तो 500 इसको कितने मिलने हैं 1,000 और इसको कितने मिलने हैं 500, तो इसको दे देंगे 1,000 और इसको कितने दे देंगे ये 500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना 1,500। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्या दिखा देंगे हम 1,500 और यहाँ पर भी क्या दिखा देंगे 1,500 दिखा देंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर डाल देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे आप बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल दी हुई है किसके बीच में, एक्स की और वाई की, एक्स की और वाई की, ठीक है ना। तो यहाँ कैपिटल कितनी दी हुई है 20,000 और 10,000, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 10,000, और बाद में क्या मिला है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है, यहाँ पर आपको मिला है 1,000 और आपको मिला है 500, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10,500 और ये कितना आ जाएगा 21,000, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ लिखोगे 21,000 21,000 और यहाँ कितना लिखोगे 10,500, ऐसे ही यहाँ लिखोगे कितना लिखोगे, यहाँ 10,500 और यहाँ लिखोगे 21,000 और ये लिखोगे टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन कर दोगे। तो ये आपने फर्स्ट केस के अंदर ट्रीटमेंट करना है। अगर हम बात करें सेकंड केस की, वेयर जो क्लियर एग्रीमेंट है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, तो हम दे देंगे, देना कितना है 1,800, तो हम क्या करेंगे अब दे देंगे सेकंड केस के अंदर, कितना दे देंगे सेकंड केस की बात करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, ए का बनता है 1,200 और वाई का बनता है किसका 600, तो एक्स का ये है वाई का ये है, इसका बनता है 1,200 और ये कितना बनेगा 600, दोनों को कितना हो जाएगा ये 1,800। अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका
1800 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना है, ओनली 1500 है, तो ये बाकी क्या हो जाएगा, लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, किस में, ये आपके एक्स में जाएगा और वाई में जाएगा। लॉस कितना है आपका, 300 का लॉस है, और वो कैसे आपने शेयर करना है, वो आपने 2 और 3 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो लॉस कितने का है आपका, 300 का, और डिवाइड 3 2 की 2 3 की रेशियो में, तो कितना हो जाता है, 5, और 5 को अगर 300 से करोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा इंच से, और इसको कितने देने हैं, 2 इंच से, तो ये कितना हो जाएगा, 120, और ये कितना हो जाएगा, 180, तो ये आप ट्रांसफर कर दोगे। अब यहाँ क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये अमाउंट है जो, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, एक एक्स को कितना मिलेगा, 1200, और इसको कितना मिलेगा, 600 मिलेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम बात करें टू बैलेंस सीडी की, तो बैलेंस सीडी से पहले ये नहीं आएगा हमारे पास, हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो लॉस आएगा, तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अमाउंट आएगा, लॉस आएगा, कितना आएगा, एक्स को मिलेगा 120 का लॉस, और इसको मिलेगा 180 का। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, टू बैलेंस सीडी, अब कैरी डाउन करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये बैलेंस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10600, कितना हो जाएगा, ये 10600, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21200, और ये भी कितना हो जाएगा, 21200, और ये कितना हो जाएगा, 10600, ठीक है ना। 10600 में से कितना माइनस करना है आपने, ये आपने माइनस करना है 180, 10600 में से माइनस करना है 180, तो आपके पास बचेगा 10420, जो कैरी डाउन करोगे आप। अगर हम बात करें एक्स में कितना कैरी डाउन करोगे, आपके पास अमाउंट कितना है, 21200, 21200, और 21200 में से क्या माइनस करना है आपको, 120 आपने माइनस करना है जो लॉस है, तो आपके पास अमाउंट कितना बच जाएगा, ये 21080, तो आप 80, ठीक है ना। तो आपने ऐसे डील करके चलना है, फर्स्ट केस अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपने ऐसे काम करना है, अगर एग्रीमेंट है तो आपने ऐसे काम करना है, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।